मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं यमुनानगर मेरे कान की सफाई कराने। पता नहीं मेरे कान में रोज रात को दर्द होता है, अभी भी यहाँ का दर्द हो रहा है। कान जब मैं अजवाई लेता हूँ ना तो कान का पर्दा ऐसा लगता है जैसे आग आ रहा है। तो अरे आगे भीड़ होगी मेरे को देख के, मुझे रोकेंगे, अभी भीड़ होगी आगे देख, जल्दी मुझे मिलने के लिए लोग आ रहे हैं। पहला बर्थडे है, नहीं सॉरी पापा का नहीं, गाइस मेरा दो दिन बर्थडे आता है क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था उस दिन जन्माष्टमी भी थी और क्या था, एक बाइट मांग ले इनसे, एक बुर्की दे, दिखा देखा के देख, दिखा एक बुर्की दे। कान चेक ऐसे तुम तो सारे कान, मेरे इससे भी पहले का हो रहा है, मैं कुछ ही दो बार लगे, क्या हो रहा है मेरे इससे भी पहले का हो रहा है, क्या कहते हैं कान खराब नहीं हो रहा, अभी भी पिच पिच कर रहा है। करवाएगा तो करेगा ही कान, क्योंकि कान के अंदर थोड़ा पानी होता है, तो गाइस मिल के वहाँ पे पहुँच के मिलते हैं आपसे। पहुँच के हॉस्पिटल, वो देखो अभी बैठे बैठे हालत खराब होगी, देखते हैं आगे क्या सीन होगा, अभी क्या कहते हैं पूछते हैं, कभी हमें पक्का भी नहीं पता भी डॉक्टर होंगे या फिर नहीं होंगे। शाम को कह रहे हैं आए मेरे कान के लिए थे, प्रोटेक्शन भी करवा ही रहे हैं अपना, ये देखो पर्ची सबकी हो गया। आप आए मेरे लिए थे, आप अपना भी करवा रहे हो, ये गलत बात है, मेरा मेरे ख्याल से कम निकलेगा, आपका और प्रत्यक्ष का ज़्यादा निकलेगा। अरे बेचारे इसमें पहले फिश सक्षमिया का चेकअप हो रहा है, जैसा भी मेरा भी होएगा और पापा का भी होएगा। ठीक है गाइस थोड़ी देर में मिलते हैं जब मेरा चेकअप होएगा। गाइस ये देखो हो रहा है शिमला का चेकअप, पता नहीं भैया के ना ईयर्स में कान में ना भैया के कुछ वाइट वाइट सा है छोटा सा। तो गाइस जब मेरा होएगा तब मिलते हैं चेकअप। बचपन में ये कान बैठ के रहा है आपका, हाँ और थोड़ा वैक्स है तो मैं रिमूव कर देता हूँ, नहीं गीला जो है वो होता है पस होती है। बचपन में तो थोड़ा घर वाले लहसुन और तेल डाल देते थे बस, हाँ तो ठीक है, लेकिन मतलब वहाँ पे कुछ भी निकालिक है, दोनों कान में है, ये दोनों ही कान बैठते थे आपके अपने मदर फादर को भी क्यों बताइए, पर्दे के अंदर उनके पैरों के ऊपर पैसे मांगे। रॉ ब्लड आ सकता है, ठीक है जी। इस साइड में आपने कोई क्लीनिंग वीनिंग की कोशिश की थी क्या, क्लीनिंग इस साइड में कर ली होगी सर, थोड़ी जो स्किन है ना निकली हुई है, जख्म सा बना हुआ, ब्लीडिंग है, आ जाओ। तो गाइस अब प्रत्यक्ष क्यों रहा है, दर्द होएगा तेरे, साफ है इसके वैसे इसका तो बहुत ज्यादा फॉर्मेशन हो ना, तो फिर अपना 6 महीने से साल के गैप में अपना करवा लिया ठीक करते, ऐसी कोई वो नहीं आती जैसे दवाई, जैसे मेरे कानों में वैक्स है लिक्विड है ज्यादा ही गम टाइप कि मैं वो डाल दूं, देखो आप सिंपल गिरी का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोकोनट ऑयल वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि जो दवाई होती है ना वो लिक्विफाई को कर सकती है या थोड़ा सॉफ्टनिंग कर सकती है। तो गाइस हमारा ट्रीटमेंट हो गया, जबकि इन दोनों एक कान में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और डॉक्टर साहब ने जबकि लंच टाइम हो रहा था फिर हमने बताया कि हमें हिमाचल से हम लोग आए हैं तो अटेंड कर लिया हमें, थैंक यू सर। तो अभी हम मेडिसिन लेके और निकलते हैं, चलते चलते मैकडोनल्ड्स पे आ गए, देखो आ गई है, फिर देखो वहाँ पे अभी ड्राइव थ्रू अभी बंद है, अभी पापा पार्किंग की स्लिप दे रहे हैं। प्रत्यक्ष रेडमी वाले तेरे पास है ना,
पास अभी। मैंने पर्ची ले लिया, इसको संभाल के रखनी पड़ेगी नहीं तो गाड़ी नहीं मिलने की। ये वाली पर्ची है। तो गाइस पहुंच चुके हैं हम अभी मैकडॉनल्ड्स, चलते हैं और यहाँ की ट्रेन है। एंड व्यू की बात करो तो कुछ ऐसा यहाँ का। चलो चलो बस हो गया। क्या है बंदो, कच्ची पटरी है इसकी, कुंडी से शुशु निकल गया। चलो आ जाओ गाइस, आ गया हमारा ऑर्डर आ गया। अभी अभी सक्षम ने किया था अपनी रैप ऑर्डर और प्रत्यक्ष ने बर्गर किया था और मैंने की थी कोल्ड कॉफ़ी। स्ट्रो दे दे मुझे। और चिन्नो ने किया था कुछ नहीं, ये कुछ नहीं खाती, ये तो बड़ी फ्रिजी है, इतनी मैं किसी के हाथ का नहीं खाती। बर्गर लिया है, प्रत्यक्ष का बर्गर है। स्ट्रो दे, दिखाना सक्षम प्रत्यक्ष। ऐसे ही दिखाना, इससे बढ़िया, इससे बड़ा बर्गर तो तूने घर पे बनाया था, वो अच्छा था। शेयर कराएगा, दिखाना। तो गाइस ये देखो मम्मा बहन से बनाने की चीज ला रहे हैं, पता नहीं कैसे कचौड़ियां ला रहे हैं, कचौड़ियां। वो देखो यहाँ आसमान में कचौड़ियां, मैंने बताई कचौड़ियां, पता नहीं है ये कचौड़ियां, ये होती है कचौड़ियां। मैं तो वो कह रहा था रेड 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 भी हो, ये ही है वो, ये अरे वो नहीं है, वो है। अरे यार कोई नहीं, पक्की हुई लेनी है। हैं कौन खाए कचौड़ियां की सब्जी, वो वाली रेड रेड कह रहा हूँ मैं। वो वाली वो देखो, ये वाली रेड रेड कह रहा हूँ मैं। पागल हाथी मेरा यार, क्या है पर बहन से बनाओ इसकी। चलो वो रही पाकिस्तान में चले जाऊं मैं, बनाओ चलो कचौड़ियां, वो बनाओ बहन से। तो गाइस मम्मा इनकी बहन से बनाएंगे, देखते हैं कैसे बनाएंगे। यहाँ अमरूद भी पके हुए, यहाँ पे खासी सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ जिंगड़ा लहू, वो देखो ये रही कचौड़ियां। ये तो नहीं है मम्मा, ये वाली वो ही है ना। तो गाइस अंदर बैठते हैं, कचौड़ियां वहां भी लकड़ी नीचे से लच्चे से। तो गाइस अभी हम जा रहे थे सजादपुर से, और जब भी हम यहां से जाते हैं तो इनका शेक जरूर पीते हैं। अपा जी शेक तो बढ़िया है, पर पीछे लंपी गाइस, पीछे लंपी वायरस बैठा, लंपी वायरस। ये भी आज तूने तो फर्स्ट टाइम पिया ना यहां का, इसलिए आज फर्स्ट टाइम सरदार का जूस पिया, सरदार जी का जूस, मतलब सरदार जी की शॉप का। भाई देखो कितना लोडेड उसने लिया, शेक पपीता शेक और मैं और प्रत्यक्ष पियेंगे गावा शेक। आपका बनाना शेक है, सॉरी इसने बनाना शेक लिया है और हम तो गावा शेक। कितना बड़ा गिलास है, बड़ा ही क्वांटिटी इसकी, बड़ी टफ है खत्म करना। ये तो हमने स्मॉल गिलास है ये गाइस, अगर इसको हाँ ये स्मॉल है क्या, ये बड़ा थोड़ी है, सबसे बड़ा यही है। अगर सबसे बड़ा दिखाऊं कौन सा है, ये देखना, ये नहीं, ये भी नहीं है, सबसे बड़ा दूसरा है, मैं बता रहा हूँ कौन सा है। ये सबसे बड़ा नहीं है, मैं सबसे बड़ा देर से ये मैंने पिछली बार जब आया था मैं तो सबसे बड़ा बोल के यही पिया था मैंने। उसका सबसे बड़ा नहीं है, छोटा गिलास है सबसे। सबसे बड़ा पापा ने कान में चुगली भर दी थी, नहीं ये भी नहीं है सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा, इससे बड़ा भी आता है। इससे बड़ा भी आता है, हाँ, पर वो दिल्ली मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है। अच्छा, इससे बड़ा भी आता है, ये तो जग है। कितने लीटर आता है, 900 ml है, 900 ml एक लीटर मान लो गाइस। ये है ये जो मर्जी, फिर आपसे पिया नहीं जाता इसलिए नहीं मिलती। कितने वाला भैया, हाँ जी ये कितने का, ये 100 का हो जाता है, ये 80 का, ये 50 का, तो ये तो बड़ा समझ के पीता है, खुश होता है, कहता है सबसे बड़ा मेरे पास है। तो गाइज फाइनली घूम के हम पूरा दिन इंजॉय किया और अब हम आगे घर,
और हम लेके आए थे रास्ते से, देखो चीनू और सक्षम प्रत्यक्ष ने ये तोड़े थे। क्या इसको कचरी है, इनके हम बनाएंगे क्या, भैंस बनाएंगे भैंस। वो कैसे बनेगी वो देखना आप, नेक्स्ट व्लॉग शूट करेंगे इसकी, हम भैंस बनाएंगे भैंस, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तो गाइस इस वीडियो को शेयर करना, अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना, घंटे का जो बटन है उसको ऑल पे क्लिक कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।